श्री परशुराम कला समिति द्वारा 19 मई को शाम 7 बजे शिवाजी पार्क रामलीला मैदान में भगवान परशुराम लीला का मंचन किया जाएगा। यह जानकारी बुधवार को संयोजक सत्यनारायण शर्मा ने एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि नाटक पारसी और आधुनिक शैली के साथ साथ ध्वनि और प्रकाश का विशेष प्रयोग किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष राधामोहन शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय जल निराकरण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर रोहताश शर्मा, पूर्व विधायक कृष्ण मुरारी गंगावा, दिल्ली के IPS अधिकारी महेश भारद्वाज, प्रधान आयकर आयुक्त विनोद तिवारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यशपाल त्रिपाठी, भाजपा जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा, योगेश शर्मा और मोहन स्वरूप भारद्वाज, कृष्ण गुप्ता CA, डॉक्टर अशोक पाठक और नीलेश खंडेलवाल मौजूद रहेंगे। नाटक का निर्देशन और लेखन रामोतार पंडित द्वारा किया गया है। कार्यक्रम में डॉक्टर अनुरीता झा के निर्देशन में 9 बालिकाओं द्वारा कथक नृत्य किया जाएगा। प्रेस वार्ता में विद्याभूषण ग्रोवर, मधुसूदन शर्मा, राजन शर्मा, मानवेंद्र उपाध्याय, विनोद शर्मा, मोहित शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। श्री परशुराम कला मंदिर समिति द्वारा महान ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक एवं सामाजिक श्री परशुराम लीला का मंचन 19 मई 2018 शनिवार को शिवाजी पार्क के रामलीला मैदान में 8 बजे से किया जा रहा है। श्री परशुराम लीला का मंचन का जो लेखक और जो निर्देशक हैं वो पंडित राम अवतार जी हैं, उनके द्वारा ये निर्देशित है और लगातार ये 6ठी बार ये प्रतिवर्ष होता है और 6ठी बार ये होने जा रहा है। अब की बार ये शिवाजी पार्क में हो रहा है, पहले राजऋषि अभय समाज में द्वारा हो रहा था। इस नाटक का मुख्य जो उद्देश्य है वो श्री परशुराम लीला के जीवन चरित्र को दर्शाना है, उनके द्वारा जो जीवन जिया है उसको दर्शाना है कि उन्होंने किस तरह से अपना जीवन जिया है। श्री परशुराम जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, लेकिन ऐसा ही नहीं है कि वो कोई हिंसात्मक प्रवृत्ति के लोग थे, वो करुणा के अवतार थे। उसको दिखाना भी हमारा एक उद्देश्य इस नाटक का है और साथ ही परशुराम जी किसी एक के नहीं बल्कि पूरे समाज के हैं, ये भी इसका एक उद्देश्य रखा गया है। और इसमें जो कलाकार हैं, जो सहयोगकर्ता हैं, जो नाटक करवा रहे हैं वो भिन्न समाजों से हैं, कोई अकेले ब्राह्मण समाज ही नहीं है, क्योंकि परशुराम जी सबके हैं, केवल ब्राह्मणों के नहीं हैं। यही उद्देश्य से ये नाटक किया जा रहा है।